जिला में कोरोना के अब तक 43,435 टेस्ट किए गए हैं और अब तक जिला में 2,115 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं जिला में अब 261 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। जिला में कोरोना रोगियों के आंकड़ों बारे जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने बताया कि इन एक्टिव मामलों में 190 होम आइसोलेशन में रखे गए हैं और अब तक 1,813 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल तक शाम तक हम 43,435 टेस्ट जो है डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक से ले बैठे हैं और 84,000 पॉपुलेशन के आसपास हमारा टेस्टिंग रेट है। आज दोपहर तक की सूचना के अनुसार अभी लेटेस्ट हमारे पास 10 मामले और पॉजिटिव आए हैं, तो उनको डाल के 2,115 कुल पॉजिटिव मामले अभी तक ज़िला में हुए हैं और जिसमें से 261 जो हैं वो आज दोपहर की लेटेस्ट अपडेट के बाद एक्टिव केसेस हैं। 1,813 लोग जो कि टोटल पॉजिटिव का 85.7% बनता है वो पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घरों में अब जीवन जी रहे हैं और 35 हमारी जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हुई हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारी अधिकतर मृत्यु जो हैं उसमें जो कोमॉर्बिड कंडीशंस थी या वल्नरेबिलिटी थी, अधिक उम्र थी, मुख्यतः वो कारण था, मगर ये कोविड पॉजिटिव तो पाए गए हैं। अभी जो हमारे कुल मामले हैं इसमें से अधिकतर मामले जो हैं 190 के करीब तो होम आइसोलेशन में ही हैं और 23 लोग अभी DCHC डलहौजी में उपचाराधीन हैं जो कि मॉडरेटली सिम्प्टोमेटिक हैं और 14 लोग आज सुबह तक DCH चंबा में उपचाराधीन हैं। ज़िला के 11 लोग अभी टांडा में भी उपचार ले रहे हैं और एक व्यक्ति DCH धर्मशाला में है। कुल जितने मामले पॉजिटिव आए हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मचारी और सपोर्ट स्टाफ भी पॉजिटिव आया है। कल तक की सूचना के अनुसार 60 के करीब लोग हैं जिसमें से 21 चिकित्सा अधिकारी हैं और बाकी पैरामेडिकल के लोग हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अभी एक्टिव मामलों की संख्या इनमें से 5 है। हमारा टेस्टिंग रिपोर्ट जो टेस्टिंग स्टेटस है विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों और कम ह्यूमन रिसोर्स के अनुसार हम एवरेजली 400 के करीब टेस्ट रोज में करने का प्रयास करते हैं, मगर कंटेनमेंट ऑफ स्प्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट करें और हमें जो स्टेट द्वारा टारगेट अब दिया गया वो 450 टेस्ट का प्रतिदिन का है और मैं आज भी DC महोदय की अध्यक्षता में SDM सर भी के साथ मीटिंग रखी गई है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस टेस्टिंग रिपोर्ट, क्योंकि टेस्ट यदि अधिक लोग होंगे चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव आएंगे मगर वो घर में हम उनको रखकर उन पे निगरानी रख सकते हैं और कम से कम उनसे आगे संक्रमण फैलने को रोका जा सकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक यही एक तरीका है जिससे हम संक्रमण की दर को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि अभी ये महसूस किया गया है कि बहुत से मामलों में लोग या तो अपनी छोटे सिम्टम्स को छुपा रहे हैं या टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हालांकि आजकल हमारी टीमें भी जो हिम सुरक्षा अभियान हमारा चल रहा है उसके माध्यम से घर घर में जा रही हैं, मगर उनसे भी एक फीडबैक आ रहा है कि लोग पूरी सूचना जो है वो नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार सभी से आह्वान करता हूँ कि जो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं ये इसी दिशा में केंद्रित हैं कि संक्रमण की दर को कम किया जा सके, लोगों में कॉम्प्लिकेशन और मृत्यु को कम से कम किया जा सके और उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो हम टेस्टिंग को बढ़ाएं और जो लोगों में जिनमें कॉम्प्लिकेशन या डेथ का चांसेस है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनमें कोई भी संक्रमण का संकेत आने के जल्दी से जल्दी उनको डिटेक्ट करके उन्हें उचित उपचार जो है वो शुरू किया जा सके। तो आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि टेस्टिंग के लिए लोग स्वतः आगे आए, वॉलंटरी बेसिस पे जिनमें थोड़े बहुत लक्षण हैं वो तो 100% आगे आए, मगर रैंडम टेस्टिंग भी, जैसे अभी प्रशासनिक आदेश हैं कि
दफ्तरों में, सार्वजनिक जो उपक्रम है वहाँ पर, दुकानों में, यहाँ पे भी टेस्ट किया जाएगा। और जो शादियों में जो खाना बनाने वाले हैं, केटरर है, मैनेजिंग स्टाफ है, अब तो ये भी कल से आदेश है कि शादी ऐसे समारोह के लिए, किसी भी सामाजिक समारोह के लिए कंसर्न SDM से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमने भी कंसर्न SDM से रिक्वेस्ट किया है कि जो लिस्ट उन्हें प्राप्त होती है जो अटेंड करने वाले लोग हैं, तो उनकी लिस्ट हमें दे दें, चाहे वो केटरिंग स्टाफ है और स्टाफ है, हेल्पिंग स्टाफ है, ताकि हम समय पर उनकी जांच जो है, टेस्ट जो है, कर पाएँ। अभी हमारी थोड़ी लेबॉरेटरी में भी टेस्टिंग की, PCR की, क्योंकि हम एक रैपिड टेस्ट कर रहे हैं जो कि फील्ड में ही हो जाता है, और दूसरा PCR कर रहे हैं। PCR की अभी तक, क्योंकि थोड़े लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की कमी है, इसलिए अभी वो 24 घंटे लैब नहीं चल पाती, तो हमारी पेंडेंसी हो जाती है। मगर मेरी आज भी प्रिंसिपल महोदय से चर्चा हुई थी, और सरकार द्वारा उन्हें 10 और लेबॉरेटरी टेक्नीशियन आउटसोर्सिंग के माध्यम पर रखने की परमिशन मिल गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 5-7 दिनों में हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटीज़ हैं वो भी एनहांस हो जाएंगी। रैपिड टेस्ट हम फील्ड में लगातार जारी रखे हुए हैं, मगर बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ रैपिड की बजाय PCR कराने की आवश्यकता हमें पड़ती है। मैं आपको बता रहा था कि इनमें से सिर्फ 5 लोग ही हैं जो इस समय एक्टिव हैं, बाकी रिकवर कर वापस ड्यूटी पर आ गए हैं। ये 60 इकट्ठे नहीं आए, बीच बीच में आते रहे, तो वो तो ऐसी परिस्थिति में जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उन्हें क्वारंटीन आइसोलेट होना पड़ता था, तो उसकी रिप्लेसमेंट का हम जो है वो पास के स्वास्थ्य संस्थानों से काम चला रहे थे, मगर ये स्टैगर्ड थे, एकदम इकट्ठे नहीं आए। तो सर, फोर्थ फ्लोर के लिए CM साहब भी बोल गए थे इसको शिफ्ट PV वार्ड में करना है, आप लोगों ने ये ऊपर तैयारी करी, कब तक यहाँ से शिफ्टिंग होगी? देखिए, इसके बारे में अधिक पुख्ता सूचना तो प्रिंसिपल महोदय दे पाएंगे, क्योंकि ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार क्षेत्र में आता है। मगर मेरे से जो बात हुई है उसमें जो सिविल वर्क है और बेसिक जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और आने वाले 1 या 2 दिन में मुझे लगता है कि वहाँ पर वो वार्ड जो है शिफ्ट कर दिया। सर, जैसे चंबा में पैलेस बने हुए हैं, मैरिज पैलेस बने हैं, कुछ होटल भी हैं, उसमें सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है। जैसे होटल में किसी की सर बुकिंग होती है मैरिज की, तो जो होटल का कुक है, क्या सर उसका टेस्ट हुआ होगा? मैंने आपसे यही बताया कि अब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जी, ऐसी कोई भी गैदरिंग करने के लिए कंसर्न्ड SDM से सूचना लेनी पड़ेगी, और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि कौन स्टाफ है, कितने लोगों के आने की संभावना है। तो आज की मीटिंग इसी सिलसिले में रखी गई है। SDM के माध्यम से हमारे विभाग को ये सूचना मिल जाएगी कि ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें इतने लोगों के आने की संभावना है, ये लिस्ट है जो केटरिंग या कुक या बाकी स्टाफ है, और उनकी हम टेस्टिंग, जब हमें ये सूचना आएगी तो हम 100% इंश्योर करें।